नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका परमानेंट इलाज नहीं है। इस जानलेवा बीमारी से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। कैंसर कई तरह का होता है, जिसमें पैनक्रियाटिक कैंसर बेहद खतरनाक माना गया है। हाल ही में एक्सपर्ट्स द्वारा पैनक्रियाटिक कैंसर, जो पेट के निचले हिस्से यानी कि अग्नाशय के पीछे वाले अंग में होता है, उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। इसके लक्षण पैरों में भी दिखाई देते हैं, जिससे इस कैंसर का पता लगाया जा सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर में ऐसी क्षमता होती है जो खून को हाइपर कॉग्युलेटिव स्टेज में पहुंचा देता है। ये वो स्टेज होती है जहां खून के थक्के जमने लगे। अगर किसी को ये कैंसर होता है तो उसके पैरों में खून के थक्के दिखने लगते हैं और ये पैनक्रियाटिक कैंसर का ही पहला लक्षण है। नसों में खून का थक्का जमने की स्टेज को डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि DVT कहते हैं। कैंसर के लक्षणों में दर्द, सूजन, पैरों का लाल होना, पैरों का गर्म होना भी शामिल है। कुछ मामलों में ब्लड क्लॉट लंग्स तक भी पहुंचते हैं, जिस कारण सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, जिससे मौत का जोखिम और भी बढ़ता है। अगर किसी के शरीर में खून के थक्के पाए जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे कैंसर ही है। कई मामलों में खून के थक्के अन्य कारणों से भी होते हैं। वहीं पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों में वजन कम होना और पेट दर्द होना जैसे आम लक्षण देखने को नहीं मिलते, जिस कारण इसका पता लगाना मुश्किल होता है। शरीर में अग्नाशय की स्थिति के कारण बायोप्सी में भी काफी मुश्किल होती है। वहीं आमतौर पर इस तरह के कैंसर वाले लोगों में अमूमन अपच और पेट में गैस यानी कि एसिडिटी की परेशानी देखने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।